हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास 11 का मैथ का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किया गया था। अब आइए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 1+2+ एंड सो ऑन n इज लेस देन इक्वल टू क्या है आपका 1/8 2n+1 का स्क्वायर है, 2n+1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर आपका 19, n+1 n+5 संख्या 3 का गुणज है। क्वेश्चन नंबर 20, 10^2n-1 +1 संख्या 11 से भाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, x^2n-y^2n का x+y से भाज्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 3^2n+2 -8n-9 संख्या 8 से भाज्य है। और आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, 4^41n-42n संख्या 27 का गुणज है। और ये आपका दिया है 24 2n+7 11 और n+3 का होल स्क्वायर। तो आइए ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है सेम एक तरह का है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हैं। इनमें से हम आज 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 2 क्वेश्चन जो इसलिए से रहेगा वह आपका होमवर्क रहेगा। तो आप निश्चित ही उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। सबसे पहला का मानेंगे लेट, माना pn साइड क्या है 1+2+n इक्वल टू क्या जाएगा 1/8 और 2n+1 का होल स्क्वायर। बताया था गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए जहाँ भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहला काम हम लोगों का यह रहा है कि 3 स्टेप में इसको सरल करना है। स्टेप वन में आपका n=1 के लिए करेंगे, स्टेप 2 n=k के लिए सत्य हो जाएगा और स्टेप 3 n=k+1 के लिए इसको सत्य करेंगे। तो n=1 हो जाएगा तो आसानी से n=k सत्य लिख सकते हैं और n=k+1 के लिए हम लोग सॉल्व करके उसे दिखाते हैं कि यह गणितीय आगमन सिद्धांत को क्या करता है, निरूपित करता है। तो आइए देखा जाए। अब यहाँ पर स्टेप 1 ले रहा हूँ, स्टेप 1 में क्या करते हैं, दिए गए सूत्र में n=1 रखने पर रखा जाए। देखिए आपका अनुमान देगा सूत्र यही है आपका, तो लिखा जाएगा n के जगह पर 1/8 2n+1 का स्क्वायर 1 = 1/8 एंड 2 + 3 = 9 1 = 9/8। देखिए 1 जो है 9/8 से क्या है छोटा है, अतः लिखेंगे n=1 के लिए सत्य है। स्टेप 1
यह हुआ। अब क्या करेंगे, स्टेप टू लेंगे, स्टेप टू। स्टेप टू में क्या करते हैं हम, अब यह नंबर वन के लिए सिद्ध हो गया कि इस प्रकार दिया गया सूत्र यान बराबर के लिए सत्य होगा, सत्य होगा। इसलिए ये जो आप लिखेंगे पी एम जो है पी के हो जाएगा सब्जेक्ट वन प्लस टू प्लस एंड सो ऑन धन के इज लेस देन इक्वल टू वन बाई एट और टू के प्लस वन का होल स्क्वायर का मानेंगे समीकरण एक। अब नंबर आएगा स्टेप थ्री का, स्टेप थ्री क्या करेंगे, यन का ये दिए गए सूत्र में दिए गए सूत्र के यान में पद, देखिए यानवा पद आपका यान यही है, में यान बराबर के प्लस वन रख कर समीकरण एक में दोनों तरफ जोड़ने पर, अब देखिए आप लग रहा है पी एन के जगह एन प्लस वन सब्जेक्ट वन धन टू धन एंड सो वन, आपका एन के जगह पर यहाँ देखिए एन के जगह पर आपका के की जगह के रहेगा धन, अब यही के प्लस वन इधर जोड़ दिए, अब इधर इधर इक्वल टू वन बाई एट और यहाँ पर टू के प्लस वन का होल स्क्वायर जिसे इधर जोड़े हैं उसे यही जो एन बराबर के प्लस वन यहाँ पर रखे हैं तो एन बराबर के प्लस वन हुआ इसमें जोड़ दिए या यहाँ भी जोड़ देंगे के प्लस वन। अब देखिए जिले धन वन बाई एट ये फोर हो जाएगा के स्क्वायर धन वन आधन फोर के ये धन भी कौन स्क्वायर तोड़ दिए हैं आधन, अब इस एट का इसमें बुरा भी कर दे रहे हैं पूरे का बटा कर दे रहे हैं एट के धन एट बाई एट। अब देखिए फोर के स्क्वायर धन आठ चार बारह के धन नौ बटे कितना एट इजले धन इक्वल टू, अब आपका ये नौ चौक छत्तीस होगा और छत्तीस का ऐसा खंड कीजिए कि बारह हो जाए तो नौ चौक छत्तीस छः का छत्तीस हो जाएगा फोर के स्क्वायर धन छ के धन छ के धन नौ बटे एट। अब ये टू के कॉमन तो टू के प्लस थ्री टू कॉमन नहीं थ्री कॉमन तो टू के प्लस थ्री और टू के प्लस थ्री सॉरी यार देखिए बाई एट है यहाँ टू के प्लस थ्री और टू के प्लस थ्री बाई एट टू के प्लस थ्री का होल स्क्वायर बाई एट देख रहा हूँ यह जो आपका आ गया टू के प्लस थ्री का होल स्क्वायर ठीक है बाई एट अतः देख लीजिए उसी टाइप का हो गया टू एन प्लस वन अगर इसको लिख दें टू एन प्लस वन यानी यह इस टाइप में आ गया इसलिए लिखेंगे एन बराबर के प्लस वन के लिए
सत्य होगा। इस प्रकार यन एलिमेंट ऑफ कैपिटल यन के लिए गणितीय आगमन गणितीय गणितीय सिद्धांत सत्य होगा। एक पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 18 हुआ, 18 का सॉल्यूशन हुआ, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आइए, अब क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, 3 का विभाज आपका 20 जो है 11 का 11 से भाज वही या अचर है, चर के रूप में ये संख्या है, यह दोनों एक तरह का है और बाकी जो है ये सब एक तरह का। देखिए, इसमें से क्वेश्चन नंबर आप लगा रहा हूँ 20। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मानेंगे लेफ्ट पी एन सच डेट का 10^2n-1 और +1 संख्या क्या है 11 से भाज है। अभी ये भी आप वही काम करेंगे, इन 3 स्टेप में इसको सॉल्व किया जाएगा। तो स्टेप वन में देखिए क्या करेंगे, n=1 के लिए p1 सब्जेक्ट का आ जाएगा 10^2 2 into 1 - 1 +1। अब देखिए सब्जेक्ट 10 हो जाएगा +1, अब साइड 10 और 1 का हो जाएगा 11। देखिए 11 से भाज है, 11 से भाज है, इसलिए n=1 के लिए सत्य होगा। पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 देखिए, अब कहेंगे इसी प्रकार n=k के लिए सत्य होगा। जब n=1 के लिए सत्य हो गया, तो अगर n की जगह पक्के रख दें तो उस कंडीशन में भी ये क्या होगा, सत्य होगा। इसलिए पी के सर डेट का लिखेंगे 10^2 - 1 +1 क्या है 11 से भाज होगा। ये मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अगला स्टेप थ्री में क्या करेंगे, n=k+1 के लिए। अब देखिए n=k+1 लग रहा हूँ, इसलिए n p n k+1 इक्वल नहीं सेट है। अब यहाँ लिखेंगे 10^-1 - 1 और देखिएगा सेट है, लिख सकते हैं 10^2 इसमें 2 - 1 + 1 सेट है 10^2 + 1 + a1 और देखिए इसी में लिख सकते हैं
टेन टू दी पावर टू, देखिए इसको अलग कर रहा हूँ, अब इसको लिख सकते हैं इतना को, टेन टू दी पावर टू इंटू टेन टू दी पावर टू के माइनस वन अब प्लस वन। देखिए अगर इसको साथ किया जाएगा तो यही होगा, ठीक। अब यार इसको लिख सकते हैं सौ और टेन टू दी पावर टू के माइनस वन प्लस वन सजेट, इसको लिख सकते हैं निन्यानवे और धन वन और टू के टेन टू दी पावर टू के माइनस वन और प्लस वन। अब सजेट अब इसका गुणा कर दीजिए, निन्यानवे टेन टू दी पावर टू के माइनस वन और धन इसका इसमें गुणा कर दीजिए, टेन टू दी पावर टू के माइनस वन अधन वन। देखिए यह जो है यहाँ आप नीचे लिखेंगे, यहाँ निन्यानवे टेन टू दी पावर टू के माइनस वन, देखिएगा ग्यारह से भाज्य है, ग्यारह से भाज्य है, लिख ही रहे ग्यारह निन्यानवे हो जाएगा। और यहाँ देखिए टेन टू दी पावर टू के माइनस वन और प्लस वन, देखिएगा टेन टू दी पावर टू के माइनस वन प्लस वन ग्यारह से भाज्य है, तो टेन टू दी पावर टू के माइनस वन और प्लस वन समीकरण एक से भाज्य है, इसलिए यान बराबर के प्लस वन के लिए सत्य होगा, ठीक है। अब लिखेंगे इस प्रकार यन एलिमेंट ऑफ यन के लिए गणितीय आगमन आगमन सिद्धांत सत्य होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का पूरा सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए अब 20 के बाद आपका 21 साफ करने चल रहा हूं। 21 है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये चर में है, ये संख्या में था, अब चर में है उसको देखा जाए तो 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 मानेंगे लेट पी एन सजेट का एक्स टू दावर टू एन और माइनस वाई टू दावर टू एन एक्स प्लस वाई से भाज्य है, ठीक। और स्टेप लग स्टेप वन, अब स्टेप वन में क्या करेंगे, एन बराबर वन के लिए, बोलिए एन बराबर वन के लिए देखिए पी वन सेट डॉट का वाई एक्स टू दी पावर टू माइनस वाई टू दी पावर टू, ठीक। सेट डॉट लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, देख रहे हैं यह किसे एक्स प्लस वाई से भाज्य है, अगर भाग देंगे एक्स प्लस वाई से तो एक्स माइनस वाई कम बचेगा, भाज्य हो जाएगा यह, इसलिए यान बराबर वन के लिए सत्य है। अब देखिए यान बराबर वन के लिए सत्य है तो स्टेप टू लेंगे, स्टेप टू इसी प्रकार लिख सकते हैं यान बराबर के लिए भी सत्य होगा, यानी जब यान बराबर वन के लिए सत्य है तो यान बराबर के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा, इसलिए लिखेंगे पी के सजेट एक्स टू पावर टू के माइनस वाई टू पावर टू के,
ठीक है, कहवा देंगे एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई से भाज्य होगा, ये समीकरण एक हो जाएगा। अब स्टेप थ्री लेंगे, स्टेप थ्री में क्या करेंगे, एन बराबर के प्लस वन के लिए, देखिए पी एन भी आप के प्लस वन सब डाट का लिखेंगे, एस पावर टू के प्लस वन और माइनस वाई टू पावर टू के प्लस वन, यहाँ जो एन है उसके आप एन प्लस वन रख दिया, सब डाट एस पावर टू के और एस पावर टू के प्लस टू और माइनस वाई टू पावर टू के प्लस टू, सब डाट एस पावर टू के एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू पावर टू के इंटू वाई स्क्वायर। और इसमें क्या करें, एक्स टू पावर टू के इंटू एक्स स्क्वायर, अब माइनस कर दीजिए एक्स स्क्वायर वाई टू पावर टू के और प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू पावर टू के और माइनस वाई टू पावर टू के इंटू वाई स्क्वायर, क्या किए हैं ये दोनों जोड़ दिए हैं घटा दिए हैं, यही एक्स टू पावर टू वाई टू पावर टू के एक्स टू पावर टू वाई टू पावर टू के जोड़े हैं घटाए हैं। अब इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इसको ले रहे हैं इसको और इसको, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स टू पावर टू के माइनस वाई टू पावर टू के, अब प्लस इसमें क्या कॉमन लेना वाई टू पावर टू के हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सर डेट एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर टू के माइनस वाई टू पावर टू के आधान वाई टू पावर टू के और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये देख रहे हैं यह समीकरण एक से यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर टू के माइनस वाई टू पावर टू के समीकरण एक से भाज्य, यानी जैसे एक भाज्य है उसी तरह भाज्य हो गया, तथा ये वाई टू पावर टू के और एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्वतः भाज्य, स्वतः भाज्य, स्वतः से भाज्य है, इसलिए n बराबर k प्लस वन के लिए सत्य होगा। इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार n एलिमेंट ऑफ n गणितीय आगमन के लिए सत्य होगा। ये आपका पूरा ये क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन हुआ। अब आइए एक क्वेश्चन देखिए, आप 21 एक 22 जो है आपका 8 से भाज्य है और एक 23 27 से भाज्य है, 23 सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 23 देखिए, तो अब तो क्लियर हो गए होंगे, सबसे पहला काम यही करना है, मानना है तो माना क्वेश्चन नंबर 23, तो लेफ्ट मानेंगे पी एन सडेट का मानेंगे 41 टू दावर एन माइनस 14 टू दावर एन और लिखेंगे संख्या 27 से भाज्य है, 27 भाज्य नहीं गुणक है, 27 संख्या 27 का गुणज है। देखिए इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री, स्टेप वन लीजिए, स्टेप वन लेंगे एन बराबर वन के लिए, तो बोलिए पी वन इक्वल टू 41
टू द पावर वन माइनस चौदह टू द पावर वन, ये आपका 41 माइनस 14 ये कितना जाएगा 27। देखिए 27 जो 27 का क्या है गुणज है, गुणज माना देखिए 27 नहीं लिख सकते हैं उसका गुणज है वो। अब स्टेप टू में क्या करना है यम लिख देंगे इसी प्रकार यन बराबर के प्लस वन के लिए नहीं सॉरी यन बराबर के लिए सत्य होगा। और बताइए यन बराबर वन के लिए सत्य है तो इसी प्रकार यन बराबर के लिए क्या होगा सत्य होगा, इसलिए लिखेंगे पी के सच डेट 41 टू दी पावर के माइनस 14 टू दी पावर के क्या होगा 27 का गुणज होगा समीकरण ए। अब स्टेप थ्री लिया जाए n बराबर के प्लस वन के लिए तो पी और यहाँ दिखाया जाएगा के प्लस वन सडेट 41 टू दी पावर के प्लस वन माइनस 14 टू दी पावर के प्लस वन, इसको लिखते हैं 41 टू दी पावर के माइनस 14 इंटू 14 टू दी पावर के ठीक सेट डेट में लिखते हैं 41 इंटू 41 टू दी पावर के माइनस देखिएगा इस 14 को लिख रहा हूँ 41 माइनस 27 इस 14 को लिखेंगे तो यही होगा 14 टू दी पावर के 41 इंटू 41 टू दी पावर के माइनस 41 इंटू 14 टू दी पावर के प्लस 27 इसका गुणा इसलिए इसका 27 और 14 टू दी पावर के। इसमें देखिए क्या कॉमन मिला 41 तो 41 टू दी पावर के माइनस 14 टू दी पावर के 27 और 14 टू दी पावर के यहाँ देख रहे हैं यहाँ 41 टू दी पावर के माइनस 14 टू दी पावर के किससे 27 समीकरण एक से 27 का गुणज है गुणज होगा तथा देखिएगा यह 27 इंटू 14 टू पावर के स्वयं 27 का गुणज है। इस प्रकार n बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है अतः क्या कहेंगे n एलिमेंट ऑफ कैपिटल n के लिए गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्य होगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया गया। तो इस प्रकार ये आपका 4.1 जो प्रश्नावली था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।